हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल गुप्ता कॉमर्स एजुकेटर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है, उसका जो चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये उसका लास्ट वीडियो है गाइज। इसके बाद ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा और वो सारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं वो मैं अब अपने चैनल पर वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाली प्ले लिस्ट में जाके आप सारी वीडियोज़ देख सकते हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, के इस पोर्शन को, जिसमें अभी हम डिस्कस करेंगे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गाइस आप सोचोगे कि सर आपने पहले भी तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, अब ये दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप हमें क्यों करा रहे हो? गाइस जो पहले हमने डिस्कस करे थे वो लाइफ इंश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करी थी, अब ये जनरल बिजनेस से रिलेटेड है उनकी बात हो रही है, ठीक है जी। तो जनरल बिजनेस की बात कर रहे हैं अब, लाइफ इंश्योरेंस की नहीं। तो जनरल इंश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस है, वो है द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स ऑफ फॉर द इमीडिएट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑल द आइटम्स बी शोन इन द बैलेंस शीट रेवेन्यू अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी गिवन द फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी राउंडेड आउट टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स इंटरेस्ट डिविडेंड रेंटल्स रिसीवेबल इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टमेंट शुड बी स्टेटेड इन द एट द ग्रॉस वैल्यू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स बीइंग इंक्लूडेड अंडर एडवांस टैक्सेस पेड इनकम फ्रॉम रेंट शैल नॉट इंक्लूड एनी नोशनल रेंट। फिफ्थ क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन प्रोविजन शैल सब्जेक्ट टू नोट बिलो सेकेंड के नीचे जो आ रहा है मीन एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन रिन्यूअल्स और डिमिन्यूशन, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और रिटेन्ड बाय वे ऑफ द प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लायबिलिटी और लॉस ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, ठीक है जी। और उसके बाद इसका सिक्स पॉइंट क्या है, द कंपनी शैल मेक प्रोविजन फॉर द डैमेज अंडर लॉ सूट्स वेयर द मैनेजमेंट इज टू टेक ऑफ द ओपिनियन दैट द अवार्ड मे गो अगेंस्ट द इंश्योरर। सेवंथ है, एक्सटेंट ऑफ द रिस्क रिटेन्ड एंड री इंश्योर्ड शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। एट पॉइंट, एनी डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द अनकमिटेड रिजर्व्स एंड बैलेंसेज इफ एनी शैल बी शोन सेपरेटली। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले द इंश्योरर शैल प्रिपेयर द रेवेन्यू अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम शेयर होल्डर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ BRA, माइंड इट, फॉर्म का नाम याद रखिए, फॉर्म BRA एंड फॉर्म BPL एंड फॉर्म BBS और एज द नियर देयर टू द सर्कमस्टांसिस परमिट प्रोवाइडेड दैट द इंश्योरर शैल प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द फायर मरीन एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेसेस सेपरेट एंड सेपरेट स्केड्यूल शैल बी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मरीन कार्गो मरीन अदर देन मरीन कार्गो and the following classes of miscellaneous insurance businesses under miscellaneous insurance and accordingly applications of accounting standard 17 segment reporting shall stand modified. उसके बाद हम आगे बात करेंगे motors workman compensation employees liability public product liability engineering aviation personal accident health and insurance and others. और number 2 एंड इंश्योरेंस शैल प्रिपेयर सेपरेट रसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्ट मैथड प्रिस्क्राइब इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इशूड बाई द ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स BRA इसमें नेम ऑफ इंश्योरर और रजिस्ट्रेशन नंबर है रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कैसे बनेगा इसमें देखिए स्केड्यूल के साथ 2 ईयर की डिटेल तो देनी है थाउजेंड रुपीज़ में आपको कर देना उसको कन्वर्ट ठीक है और इसको हम पॉलिसी होल्डर्स का टेक्निकल अकाउंट भी बोलते हैं प्रीमियम अर्न्ड फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल एंड रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर्स टू बी स्पेसिफाइड इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट एंड ग्रॉस वैल्यू पे इनका टोटल हो जाएगा और उसके बाद क्लेम इनकर्ड नेट फिगर इसकी आ जाएगी और इसके बाद आगे पॉइंट में क्या आएगा कमीशंस उसके बाद कमीशंस आ जाएंगी फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस और टोटल बी आ जाएगा इसका टोटल का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा ए में से बी माइनस कर दोगे तो अप्रोप्रिएशंस में उसके बाद आ जाएगा ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स फंड ट्रांसफर टू कैटास्ट्रोफिक फंड रिजर्व और ट्रांसफर टू अदर रिजर्व टू बी स्पेसिफाइड ठीक है जी
उसके बाद आगे है फॉर्म BPL, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या फॉर्मेट बनना है। तो गाइज इसका फॉर्मेट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस कैसे आएगा, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, मिसलिनियस इंश्योरेंस है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस सेल लॉस ऑन माइनस कर देना और अदर इनकम में को लेके ये टोटल ए बन जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस आपने माइनस करने हैं, पहले प्रोविजंस लेनी है अदर देन टैक्सेशन फॉर डिमिनेशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर डाउटफुल डेट्स, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अदर देन दोज रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, बैड डेट रिटर्न ऑफ, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, टोटल बी, और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्रॉफिट फॉर टैक्सेशन सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, फिर आपको अप्रोप्रिएशन बांट देनी है इंटरिम डिविडेंड की, प्रपोज फाइनल डिविडेंड की, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की और ट्रांसफर टू रिजर्व और एनी अदर अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, राइट हो। उसके बाद फॉर्म BS, और उसके बाद बैलेंस शीट में सबसे पहले जैसे कि आपको पता है क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ फंड्स आएंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, बोरोइंग्स, ठीक है जी, टोटल, और ये उसके स्केड्यूल 5, 6, 7, 8, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, पैसा कहाँ लगाया इन्वेस्टमेंट्स में, और उसके बाद क्या आएगा गाइस, उसके बाद आएगा लोन्स कितने हैं, करंट फिक्स्ड एसेट्स कितनी हैं, करंट एसेट्स कितनी हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, एडवांसेस एंड अदर एसेट्स, टोटल सब टोटल है ये, करंट लाइबिलिटी प्रोविजन सब टोटल, नेट करंट एसेट्स, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर और डिटेल्ड बैलेंस इन द सॉरी डेबिट बैलेंस इन द P&L में आ जाएगा। और उसके बाद कंटिंजेंट लाइबिलिटी, आपको पता है बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता बट वो साथ में दिखाना पड़ता है अलग से, यहाँ आ जाएगा, पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट कितनी है, क्लेम्स कितने हैं, अंडरराइटर्स कमिटमेंट्स कितनी है, गारंटी कितनी गिवन है, स्टैचुरी डिमांड्स, लाइबिलिटीज इन डिस्प्यूट कितने हैं, री इंश्योरेंस ऑब्लीगेशंस कैसे हैं और अदर्स, ये सारा आ जाएगा। उसके बाद एक एक करके फिर स्केड्यूल की बात करेंगे, और सबसे पहले देखिए स्पेसिमेन दिए हमें स्केड्यूल्स के फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला स्केड्यूल किसका है बेटा, प्रीमियम अर्न, ये तो मेन इनकम होती है इंश्योरेंस कंपनी की, प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस रिटर्न, ठीक है, ऐड प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, नेट अमाउंट, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन द रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, टोटल प्रीमियम अर्न, ठीक है जी। उसके बाद स्केड्यूल टू की बात करेंगे, क्लेम कितने आए हैं, क्लेम इंकर्ड कितने हैं, क्लेम पेड कितने हैं, डायरेक्ट फिर उसमें ऐड और लेस कर देना री इंश्योरेंस, ठीक है, नेट क्लेम पेड, ऐड क्लेम्स आउटस्टैंडिंग, लेस क्लेम्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, और टोटल क्लेम्स इंकर्ड आ जाएगा। उसके बाद स्केड्यूल थ्री में कमीशन आ जाएगी, कमीशन पेड डायरेक्ट, फिर उसमें ऐड कर देना री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और लेस कमीशन फॉर ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, नेट कमीशन, ठीक है जी। उसके बाद चौथा स्केड्यूल किसका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तो ये बिजनेस से रिलेटेड इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी उनके खर्चे हैं, एम्प्लॉयज़ के खर्चे, रेमुनरेशन, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग का, रेंट्स एंड टैक्सेस का, रिपेयर्स, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिटर फीस एंड सो ऑन, और टैक्सेशन के मैटर्स में, इंश्योरेंस मैटर्स में, और अगर आपने कोई एडवाइज़र रखा है मैनेजमेंट सर्विसेज में, ये सारे खर्चे भी आ जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है बेटा, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में कितना खर्चा किया, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेस, अदर्स वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन। स्केड्यूल फाइव कैसे है, शेयर कैपिटल का, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शेयर कैपिटल के चैप्टर में हम बनाते रहे हैं फ्रॉम प्लस टू ऑनवर्ड्स, ऑथोराइज्ड, इशूड इक्विटी, सब्सक्राइब्ड, ठीक है जी, कॉल्ड अप, ये सारा, लेस कॉल्स इन, कॉल्स अनपेड जिसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, और एड इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड को कर देना आपको, ठीक है जी, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लस टू में किया आपने। और स्केड्यूल 5A क्या कहता है, शेयर कैपिटल पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग कैसे है, प्रमोटर्स इंडियन फॉरेन और अदर्स, और उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पिछले साल कितने थे, वो सारा कुछ, ठीक है जी। और उसके बाद 6 है रिजर्व एंड सरप्लस का, तो जितने भी तरह के आपने रिजर्व बनाए हैं, चाहे कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसके बाद क्या गाइस, जर्नल रिजर्व है, ठीक है जी, फिर कैटास्फेयर रिजर्व है, अदर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 7 में बोरिंग्स आ जाएगा आपका, कितनी बोरिंग्स आपने की हैं, डिबेंचर से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अदर। और शेड्यूल 8 में इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की हुई है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, अदर इन्वेस्टमेंट शेयर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर अदर देन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट गारंटेड
बॉन्ड्स इंक्लूडिंग टी बिल्स अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद अगली इन्वेस्टमेंट्स शेयर्स में, इक्विटी प्रेफरेंस में, म्यूचुअल फंड में, डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड में, अदर सिक्योरिटीज में, सब्सिडरीज में कितनी आपने की हुई है, और साथ में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज रियल इस्टेट में कितनी है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर्स अदर देन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, और स्केड्यूल नो में आपने लोन्स कहाँ से लियो है, लोन में सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन है, बॉरोअर वाइज क्लासिफिकेशन है, परफॉर्मेंस वाइज क्लासिफिकेशन है, इंडिया का है या बाहर के है लोन, मैच्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है गाइज। स्केड्यूल 10 में फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी, ओपनिंग में एडिशन ऐड कर दिया, डिडक्शन माइनस करके क्लोजिंग आ गया, ग्रॉस ब्लॉक, फिर डेप्रिसिएशन का, और ये नेट ब्लॉक, सारी हमारी फिक्स्ड एसेट, गुडविल, इंटेंजिबल्स अगर कोई और है, और क्या आ जाएगा, लैंड एंड फ्री होल्ड्स। उसके बाद गाइज आगे क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट एटसेट्रा, ये सारा कुछ आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स का। फिर कैश का और बैंक का बैलेंस है स्केड्यूल 11, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, उसके डिपॉजिट्स, मनी एट कॉल एंड अदर्स। स्केड्यूल 12 में क्या आ रहा है गाइस, एडवांसेस एंड अदर एसेट्स, एडवांसेस कितने तरह के, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स हैं, एप्लीकेशन मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, प्री पेमेंट, एडवांस टू डायरेक्टर्स, एडवांस टैक्स पेड एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, राइट गाइस। और उसके बाद अदर्स में क्या आ जाएगा, अदर्स आ जाएंगे, फिर अदर एसेट्स में इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम्स, एजेंट्स बैलेंस, फॉरेन एजेंसी बैलेंसेस, ड्यू फ्रॉम अदर्स एंटिटीज, ड्यू फ्रॉम सब्सिडरीज, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, एजेंट्स बैलेंस, बैलेंस ड्यू टू देयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज, डिपॉजिट्स हेल्ड ऑन री इंश्योरेंस, प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअलोकेटेड प्रीमियम, सन्ड्री ऑडिटर्स क्रेडिटर्स, सॉरी, ड्यू टू सब्सिडीज कितने हैं, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग ड्यू टू ऑफिसर्स अदर्स। और स्केड्यूल 14 में क्या आ रहा है, सारी प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन आपने बनानी है, रिजर्व्स फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, फॉर टैक्सेशन, फॉर प्रपोज डिविडेंड, फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अदर्स, राइट गाइज। और इसके बाद ये लास्ट हमारा ये बनेगा मिसलिनियस एक्सपेंडिचर का, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर का आप देख रहे हो क्या बनेगा, टू नॉट, ये कौन सा है, टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ, जितना कि हमें रिटर्न ऑफ नहीं किया, और वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड, राइट गाइज, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड अदर्स, वो उसने स्पेसिफाई कर दिया है। तो गाइज इसी के साथ ये सारे स्केड्यूल्स के साथ ये जो पोर्शन है जनरल इंश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर भी यहीं मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए अपना। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।